प्रश्न, तुम किस रेस के आधार से शिव आलय के मालिक बन जाएंगे? कौन सी ऐसी रेस करते हो जिससे तुम शिव आलय के मालिक बन? बाबा के याद की रेस करते, बाबा की श्री मत पर चलने की रेस करते हो। उत्तर, फॉलो फादर मदर, माता पिता को फॉलो करो। कौन है माता पिता? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। और फॉलो करना है शिव बाबा को, कॉपी करना है ब्रह्मा बाबा। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, सिर्फ एक जन्म क्या करना है? प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। इस जो दुनिया इन आंखों से दिखाई दे रही है उससे अपनी बुद्धि हटा। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन करे जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। जहां शिव बाबा वो शिवालय, संगम युग पर ये शिवालय है जहां शिव बाबा और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। परमधाम हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा शिव रहते हैं, वो भी शिवालय है। और क्योंकि शिव का घर शिवालय माना शिव का घर, फिर सुखधाम को वहां परमपिता परमात्मा शिव नहीं रहते, फिर उसको शिवालय कैसे कहते हैं? क्योंकि शिव का घर कहते हैं ना, तो ये तो शिवालय, चलो शिव बाबा बैठा है और हम आत्माएं आकर परमात्मा से पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया शिवालय। और उसके बाद परमधाम में हम शिव बाबा के साथ हैं, तो सुख धाम में हम तो जाएंगे, शिव बाबा तो वहां नहीं जाए। परंतु फिर उसको शिवालय क्यों कहते? उनके द्वारा स्थापित नियमों पर चलने वाला। जो भी आत्माएं वहां आती हैं वो परमात्म डायरेक्शन के आधार पर बने हुए संस्कारों के साथ चलती है। उनका जीवन ही वैसा होता है जैसे परमात्मा का डायरेक्शन है, वो धीरे धीरे शिवालय पतित होता जाता है, सुख धाम से दुख धाम की तरफ बढ़ता जाता। और ये शिवालय है जहां दुख धाम से सुख धाम की तरफ बढ़ रहे, और परम धाम शिवालय है वो विश्राम आलय है जहां सब आत्माएं जिस भी ऊंचाई को प्राप्त करती हैं वहां विश्राम करती हैं और अपने पार्ट के अनुसार पार्ट बजाने आती। इन तीनों में बहुत ध्यान से अंतर को समझ कर चलना। वो अलग चीज है, शंकरपुरी अलग चीज है, वो सूक्ष्म वतन है। वो सूक्ष्म वतन में वैसे कोई पुरिया नहीं है, वहां कोई रहते नहीं है, वो तो केवल भक्ति मार्ग के आत्माओं को समझाने के लिए बनाया गया कि ये ब्रह्मापुरी है, ये विष्णुपुरी है, ये शंकरपुरी है, बाकी ऐसी कोई पुरिया ऊपर में नहीं है। हाँ जी, वो समझाने के लिए भक्त बच्चों को रुक जाओ भी ये है, परंतु है कुछ भी। धंधा दोरी करते बाप और स्वर्ग को याद कर। जो भी आपके जीवन के लिए चलाने के लिए कार्य है वो धंधा दोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे, शिवालय के मालिक बन जाएंगे।